दोस्तों, अक्सर आपके साथ ये तो हुआ ही होगा कि आप सो रहे हैं, अचानक से आपको लगता है कि आपका दिमाग जगा हुआ है, लेकिन आप अपने हाथ पैर और अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे हैं। अगर आपके साथ ये घटना हुई है तो आप आज की इस वीडियो को बखूबी समझ जाएंगे, और अगर आपके साथ ये नहीं हुई है तो आप इस चीज को नहीं समझेंगे। तो आज उन सभी के लिए जिनके साथ ये हुआ है और जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ है अब तक, उनके लिए हम आज का ये वीडियो लाए हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्लीप पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस का मतलब होता है पक्षघात, अर्थात आपका हाथ पैर या पूरा शरीर काम करना जब बंद कर देता है तो उसे हम कहते हैं हिंदी में पक्षघात या इंग्लिश में पैरालिसिस। तो सोते हुए पैरालिसिस क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसा नींद से संबंधित डिसऑर्डर यानी बीमारी है, जिस बीमारी में व्यक्ति को कुछ समय के लिए पैरालिसिस होने का एहसास होता है और उस समय उसकी मसल्स बिल्कुल भी काम नहीं करती। कई बार इस स्थिति में व्यक्ति ठीक से बोल भी नहीं पाता। जिन लोगों को स्लीप पैरालिसिस की समस्या होती है, उन्हें अक्सर छाती में भारीपन का एहसास होता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। हेल्थ एक्सपर्ट का यह मानना है कि स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सचेत या जगे हुए होते हैं, लेकिन अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारा दिमाग जगा हुआ होता है, लेकिन हमारा बॉडी वो सोया रहता है। यह या तो तब होता है जब हम सोने से पहले या जागने की सीमा पर होते हैं। कई बार यह स्थिति व्यक्ति को डरा सकती है, क्योंकि वो मानते हैं कि उन्होंने कुछ सुना था, कुछ महसूस किया था या कुछ देखा था जो वास्तव में मौजूद नहीं है। एक्चुअली उनका दिमाग जगा हुआ होता है, वो सब कुछ सुन रहा होता है, आंख बंद कर भी सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन उस चीज को वो फील नहीं कर पाता, जिसके कारण कई बार हकीकत को भी हम सपना मान लेते हैं। स्लीप पैरालिसिस की अवधि बहुत ही कम समय तक होती है, 1 से 2 मिनट। जब कोई व्यक्ति आधा सोता है और आधा जागता है तो नींद के इस पैरालिसिस की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल यह होता क्यों है, लोगों को यह समस्या क्यों होता है? डॉक्टर का मानना है कि कुछ कारण जैसे मेडिकल कंडीशन, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, कुछ दवाइयों का सेवन, नशीली दवाओं का सेवन, अधिक वाइन का पीना, कुछ नॉर्मली दवाओं का सेवन या नींद की कमी व नार्कोलेप्सी जैसी समस्या के कारण व्यक्ति को स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार अधिकतर मामलों में यह घातक नहीं होता, लेकिन फिर भी बार बार ये समस्या होने पर हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी है। अगर आपको कभी कभी स्लीप पैरालिसिस की समस्या होती है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आसानी से इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा सोना होगा, बीच में आप उठे ना, अर्थात आप जो है अपनी पूरी नींद लें। नींद की कमी स्लीप पैरालिसिस के अलावा अन्य और भी आपके मानसिक चेतना को भी वो चोट कर सकता है। टेंशन को दूर करके खुद को रिलैक्स करने के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए आपको। यह सुनिश्चित कर लें कि आप बेड टाइम में ऐसा कुछ करें जिससे आप खुद को शांत महसूस करें, और खासकर अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप को अपने बेड से दूर रखें ताकि सोते वक्त वो आपको डिस्टर्ब ना करे, और फोन को साइलेंट जरूर कर दें अगर आपको ये बीमारी है तो, अगर आप बार बार स्लीप पैरालिसिस के शिकार हो रहे हैं तो। अगर ये बीच बीच में कभी कभार होता है, महीने में 2 महीने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अमूमन सबको होता है, मुझे भी होता है। सोने के पैटर्न को बदलने की आपको जरूरत है। इससे क्या होगा, सोने के पैटर्न को अगर आप चेंज कर देंगे, टाइम फिक्स कर लेंगे, तो ये चीज जो है दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं होगा और इस चीज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसे हिंदी में नींद पक्षाघात कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात है कि हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे जानेंगे कि मुझे नींद पक्षाघात या स्लीप पैरालिसिस हुआ है। तो आइए बात करते हैं। नींद या नींद से जागने के दौरान और होश में होने के बावजूद भी कुछ समय के लिए शरीर को हिला ना पाना, वो ना बोल पाना, नींद का बीच बीच में रुक जाना पक्षाघात का सबसे प्रमुख कारण होता है। सोते या जागते समय लगातार कुछ सेकंड से मिनट तक शरीर को हिला पाने में असमर्थ महसूस करना, सोते हुए भी पूरी तरह से होश रहना, इस अवधि के दौरान बोल ना पाना,
मतिभ्रम और शरीर में सनसनी होना, जिससे डर महसूस होने लगना, छाती में प्रेशर फील करना, सांस लेने में सफोकेशन होना, ऐसा महसूस होना जैसे मृत्यु होने वाली है, ज्यादा पसीना आना, सर का दर्द, मांसपेशी में दर्द और पैरोनिया, एक तरह का पागलपन, रोजाना की सामान्य आवाजें, सनसनी वो उत्तेजनाएं जिन्हें अक्सर मस्तिष्क अनदेखा करती है, वह इस अवधि में असामान्य रूप से विशेष लगने लग जाती है, और तभी हम कहते हैं कि हमने सपने में भूत देखा है, और तभी हमें भूतों के होने का एहसास होता है, जो कि एक्चुअल में, रियल में होता बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो डॉक्टर को दिखाएं, अपने जो स्लीपिंग पैटर्न है, नींद का जो पैटर्न है, उसमें बदलाव जरूर करें। हर 10 में से लगभग 4 लोगों को स्लीप पैरालिसिस होता है। यह एक सामान्य समस्या है जिसका किशोरावस्था के दौरान पता लगाया जाता है, लेकिन किसी भी उम्र के पुरुषों व महिलाओं को स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है। कुछ अन्य कारक भी हैं जो स्लीप पैरालिसिस के जोखिम को बढ़ा देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई बीमारी है नहीं, कुछ नहीं है, एकदम स्वस्थ शरीर है, उसके बावजूद हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। हम कहते हैं कि अरे यार, ये इंसान तो कल ठीक था, अचानक क्या हो गया। एक्चुअली स्लीप पैरालिसिस के दौरान जो आवाजें वो सुनते हैं ना, उससे वो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि भूत है, और उन्हें स्ट्रोक हो जाता है, उनका हार्ट अटैक हो जाता है, जिसके कारण वे मौत को गले लगा लेते हैं। तो बस इससे बच के रहना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप एक हार्ट के पेशेंट हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इवनिंग अड्डा। और भी अगर कोई जानकारी आपको स्लीप पैरालिसिस के बारे में चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं तो कोई डॉक्टर हूं नहीं, तो आप अगर आप इसके शिकार हैं स्लीप पैरालिसिस के, तो एक अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।